भाई अलॉय की अब लीकेज चेक कर रहे हैं, पानी डाल के चारों तरफ। और ये सब कैसा लग रहा है भाई? अच्छा होता रहता भाई, रोड पे गाड़ी चलेगी तो। क्या स्कूटी वाले ने मार रही बहुत तरीके से, यू नो। तो भाई अब चेक हो रहा है इसका अलाइनमेंट। दो नॉलेज के लिए प्राइवेट नंबर गाड़ी पे कैरियर पर चलाना है। बड़ी तगड़ी वॉशिंग कर रही है भाई। तो भाई यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टीयरिंग में दिक्कत आ रही है। देखो अब ये लेफ्ट भगती रहेगी, अगर नहीं पकड़ूंगा तो लेफ्ट ही चली जाएगी, अगर हैंडल नहीं पकड़ूंगा इस तरह का। तो इसमें दिक्कत क्या हुई है, हम परसों खोली जा रहे थे तो आते टाइम जो है गड्ढा आ गया हाईवे पर, बहुत तगड़ा गड्ढा था। मतलब मान के चलो अगर चाइनीज टायर होता तो टायर भी फट सकता था, लेकिन खाली अलॉय अलॉय बैंड रह के काम चल काम रह गया। मतलब ख़राब तो खैर हो गया, काम क्या चला, अलॉय बैंड हो गया इसका। तो हम चलते हैं अलॉय रिपेयर कराने। और अलॉय रिपेयर कैसे होता, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी भी आ जाती है ना मेरे पास कि फ्रेंड भाई अलॉय बैंड हो गया तो कहाँ ठीक कराऊँ। तो भाई जहाँ मैं ठीक कराऊँगा और उसका नंबर भी आपको बता दूँगा, सीधा उसी पर कॉन्टैक्ट कर लेना। नोएडा सेक्टर 16 में उसकी दुकान है और बहुत ही मतलब बढ़िया आदमी है, वो सही कर देता है अलाइनमेंट सब तरीके से मैच वैच करके एकदम तरीके से करके दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई रिपेयर करा दिया अलॉय तो ख़राब हो गया, रिपेयर अलॉय भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब वो वाली बात नहीं रहती है लेकिन चल जाते हैं। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये अलॉय बैंड कहाँ से हुआ था। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका अलॉय बैंड हो गया, तो बैंड ही रहा भाई हल्का सा। अब इसको सेक्टर 16 जाते हैं, वहाँ ठीक कराएंगे। और ये और अपना दूसरा जहाज, आज गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि मैंने आज वो धोई थी, उसका इंटीरियर करवाना था, लेकिन इंटीरियर वाला कह रहा है कि भाई 2-3 दिन लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं 2-3 दिन बाद करा लेंगे। फिलहाल ये ज़रूरी है, ये रहा, इसको ठीक कराते हैं फिर चलते हैं आगे। भाई वो धचकी इतनी कैडी थी कि हमारे बम्पर के भी नक्के पक्के सब तोड़ दिए उसने, कपड़ा मार दिया भाई। हमारे होंडा के ऊपर तो रखा सिस्टम बहुत तगड़ा, तो हमारे में जैक निकलने सरा। लेकिन भाई लाया देखो ये पानी क्या भर गया, ये बताओ पहले। ये मुझे लग रहा है वॉशिंग वॉशिंग करी होगी ना, बड़ी तगड़ी वॉशिंग करी भाई। अनुज ये कपड़ा मार के सुखा दे इसको, चलो लो जी फोर्ड का जैक देख लो कैसा है। अनुज क्या है ये जैक भैया, बहुत तगड़ा जैक, लेकिन हाँ बहुत है, बस खोल के इसे निकाल ले। लो जी भाई ये स्कॉर्पियो है, डिटेलिंग देखा आपको कितना पीला पन है गाड़ी में। लो जी उस तार का हैंडल दिखा, तो हमने दिखा दिया भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीम वॉश। हाँ जी हाँ जी स्टीम वॉश बात कर रहा हूँ, बाहर से निकल रही है, ध्यान में करना कुछ और मत कर देना। बहुत बढ़िया भाई, इसमें से भी आ रही है। तो इसको बोलते हैं स्टीम वॉश, जैसा कि कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई स्टीम वॉश करते हैं, तो भाई ये है स्टीम वॉश की मशीन, जैसे स्टीम वॉश होती है क्योंकि इसमें ब्रश या कपड़ा ये सब जल चलता नहीं, तो इसी चक्कर में स्टीम वॉश होती है। जितने कीटाणु होंगे ना पूरे इस इवेंट में वो पूरे अंदर से निकल जाएंगे, तो मतलब। लेकिन स्टीम वॉश अच्छी चीज़ है भाई, अच्छी चीज़ है, महीने ना महीने पर कर लेनी चाहिए वैसे। अब जितना भी डस्ट अंदर होगा वो सब निकल जाएगा बाहर। बाकी भाई ये गाड़ी अंदर से ड्राई क्लीन के लिए आई है, हाँ वो दिखाएंगे भाई, फिर सर बन रहा है वो हो जाएगा सर। लेकिन मेन जो काम है ना इसमें सीट कवर नहीं है, कपड़े के हैं जो कंपनी से आते हैं, तो इसे सुखाने में बड़ी आफत आएगी, लेकिन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। छत भी बाकी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी भाई फिर दोबारा आपको दिखाएंगे एक बार। देखो मैं उठता जी बहुत गंदी हालत में, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों डिटेलिंग होंगी इसके तरीके से। बाकी जो भी चीज़ आपको दिख रही है ये भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे एक बार। वो दोनों खड़े भाई जिनकी ये कार है। तो भाई टायर खुल गया अपना और मेजर डेंट ही रहा, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लगे हुए में कम दिख रहा था। हवा तो खैर इसमें नहीं निकल रही है लेकिन ये बबलिंग करता है हल्का सा। तो भाई जैसा आप दिख रहा था ना बाहर से हल्का सा बैंड है, तो भाई बाहर से तो बेसकल का, लेकिन अंदर से ठीक ठाक बैंड है। देखो ये रहा काफ़ी है, इधर से दिखा देगा देखो यहाँ पर तो पता नहीं लग रहा कि बैंड है कि नहीं है। तो भाई सेक्टर 16 पहुँच गए और पहले गियर बदल लेता हूँ अपना क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई सेक्टर 16 पहुँच गए और दिखाते हैं आपको कार मार्केट और उस भाई से भी मिलाते हैं जो हमारी गाड़ी का अलॉय ठीक करेगा। दो नॉलेज के लिए प्राइवेट नंबर गाड़ी पर कैरियर पर चलाना है, चलाना है
लो जी एक ज्ञान की बात और मिलेगी हमारे चैनल पे, सारे ज्ञान की बात मिलेगी। लो जी भाई सेक्टर 16 आए और हमें जाम में मिले, ट्रैफिक में मिले। और बैंड आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है नौसाद बैंड का, हमारा ये रहा भाई। अब देखते हैं इसको भाई कैसे ठीक करेगा। सारी चोट अंदर ही लगी थी। तो भाई अब चेक हो रहा है इसका अलाइनमेंट। अब आ गए हम भाई नौसाद भाई के पास। जैसा कि भाई ने अलॉय ठीक कर दिया हमारा, एक ये रहा मतलब दोनों तरफ से बैंड था। तो नौसाद उस्ताद ये बताओ कि अगर किसी भाई का अलॉय अगर बैंड हो जाए तो क्या चांस रहते हैं वो रिपेयर होने के? 99% रिपेयर हो जाएगा। 99%? बहुत बढ़िया। तो ये अपनी जो शॉप है ये कहाँ पड़ती है? अपना नाम, मोबाइल नंबर सब बता दो। नोएडा सेक्टर 16 मोटर मार्केट। और दुकान का नंबर? दुकान का नंबर है नोएडा बोरिंग। नोएडा बोरिंग, मतलब दुकान के पीछे थी अपना, मतलब आप वहीं मिलोगे जहाँ वो? हाँ वहीं। बाकी नंबर बता दो अपना। नंबर है 8076-42-90-84। नाम नौसाद? नाम नौसाद। तो चलो भाई मेरा किसी भाई का अगर किसी का अलावा बैंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो नौसाद भाई के पास आ जाना नोएडा सेक्टर 16 भाई। और ये और बताओ खर्चा, पब्लिक खर्चा पूछती है भाई। खर्चा इसका एक बैंड का नॉर्मली 500 रुपए है। 500 रुपए मतलब अगर दो बैंड होंगे तो 1000 हो जाएंगे, मतलब जितने भी बैंड हो लगभग लगभग ज्यादातर 500-400-500 रुपए के हिसाब से बैंड रहता है। चलो ठीक है भाई। क्रैकिंग है उसका एक्स्ट्रा है, जो क्रैक आएगा उसका एक्स्ट्रा रहेंगे। मतलब डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हो सबसे चार्ज। मतलब मोटा मोटा बैंड है तो 500 रुपए और क्रैक ज्यादा है तो उसके हिसाब से फिर अलग। तो भाई अपनी कोई स्पोर्ट का एक नक्का टूट रहा था वो बनाने आ गए और सद्दाम भाई हमारा नक्का बना के उसको कर देगा फिट। भाई देख लो आज संडे है और यहाँ कितनी दुनिया भर की भीड़ है। लो जी भाई हम तो अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं भाई, नुकसान हो गया तुम्हारा। ये लो खड़ी खड़ी मारी हो गया भाई यार, तो यहाँ से रॉन्ग साइड ये रहा। कोई बात नहीं, लग गया खर्चा पानी देगा चला जाएगा। लो जी भैया यहाँ बातचीत होती हुई कि भैया हम वहाँ ना जा रहे यहाँ ना जा रहे, और हमने ले लिया आगे स्कूटी। तो भाई ठोका पीटी करके हमने थोड़ा बहुत तो ठीक कर दिया, बाकी ये सब टूटा पड़ा था, पानी की बोतल फूट गई उसकी तो और फूट गया। तो सर कैसा लग रहा है भाई? अच्छा होता रहता भाई रोड पर गाड़ी चलेगी तो। भाई अलॉय की वो लीकेज चेक कर रहे हैं पानी डाल के चारों तरफ, और ये सबसे बेस्ट तरीका है लीकेज चेक करने का। बैक साइड दिखाओ एक बार, अब इसका फ्रंट भी देख लेते जहाँ से रिपेयर हुआ था। मैं तो यहीं पे चेक करना। तो भाई ये रहा इसका फेंडर जो कि हमने कर दिया है, और बम्पर अभी करा नहीं, तो मैं इसलिए दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों में फर्क दिख रहा है तरीके से। तो भाई अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर जो कि बहुत तरीके से डिटेलिंग बोलते हैं हम तो इसे, ड्राई क्लीन बोलते हैं उसका डिटेलिंग बोलते हैं। फर्क है डिटेलिंग में ड्राई क्लीन में। हाँ जी, क्योंकि डिटेलिंग के अंदर ना स्टीम वॉश भी इंक्लूड रहती है आपकी। कई सारी जगह ऐसी होती है जब ना ब्रश पहुंच पाता ना इंसान घर पहुंच पाता,
आपके जितने स्टीयरिंग ये कंट्रोल होते पैरेंट इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर यहाँ पर सबके विंडो यहाँ आपका हाथ ब्रश नहीं सकता, यहाँ स्टीम ही जाती है भाई। अब मैं लगाऊंगा अपने आप पैर, वो बंदा लगा रहा था कि मैंने हटा दिया। तो भाई वो पेंट करवाने से पहले पेंट कर क्या कर रहे हैं हम, तो इस पर स्प्रे मारेंगे ये वाला। स्प्रे मारने से पहले इसकी घिसाई घिसाई कर लो ताकि ये जो स्प्रे तरीके से इस पर लग जाए। स्प्रे में हल्का हल्का स्प्रे थोड़ा ऊपर ऊपर से मार। तो भाई वाला पेंट करवा दिया है और एक बार ऋषभ भाई से पूछते हैं। ऋषभ भाई आप बताओ। भाई देखो यार मेरे को तो कहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जैसे आपने कुछ करवाया गाड़ी के अंदर। बहुत ध्यान से देखने के बाद बहुत ज्यादा ध्यान से देखने के बाद भी पता लगेगा, पता लगेगा, वही तो ढूंढ रहा हूँ। करवाया क्या मतलब पहले ये बताओ। ये अलॉय बैंड हो गया था पेंट करा। भाई यहाँ सा लग रहा हल्का हल्का कुछ करवाया जैसे। वही से तो भाई यहाँ देख लो जैसे भाई थोड़ा बहुत भाई हम बता देते हैं ऋषभ भाई थोड़ा ढूंढ रहे थे लेकिन अलग वहीं से बैंड हुआ था जहाँ से भाई दिखा रहा। भाई प्रतीक भाई के काम तो आप लोगों को पता ही है सबसे अलग रहते हैं, तो भाई यहाँ भी सबसे अलग काम यहाँ पे रहा है। ऐसा ना दो चार भाई पूछने लगे भाई अलग कहाँ से। हाँ जी भाई मैंने वीडियो में तो बता दी भाई नोएडा चले जाना वहाँ चले जाना तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ से करवाया आपने? सोलन को भाई के जुगाड़ इतने भाई लोगों को अगर कुछ चाहिए हो सिस्टम वगैरह है कोई अलेवेल का काम हो भाई कुछ भी काम हो भाई के पास एक बार आ जाना भाई बहुत बेहतरीन काम मिल जाएगा। जुगाड़ तो भाई जुगाड़ भाई हमारे पिंटू भाई मैंने पहले वीडियो में बता रहा था सारे जुगाड़ काम हमारे पास मिलेंगे फुल जुगाड़ू आ गए भाई मुझे ये बात सबसे बढ़िया लगता है पिंटू भाई की। भाई चलो तो भाई यही थी आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना। हम तो राम राम करते हैं। अच्छा भाई राम और मैं बोलता नहीं कभी अपने वीडियो में कि सब्सक्राइब करो लाइक करो। मैं भी बोलता हूँ भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तो भाई ठीक है आज मैं भी बोलूंगा। ठीक है भाई तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी तो भाई कमेंट करके भाई से पूछ लेना या फिर मेरे को ऋषभ चौधरी ब्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर।